हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टीकेआर और जो जमैका के बीच में मैच होने वाला है T20, इस मैच के बारे में। प्रीवियस वीडियो में मैंने एक गेल को जो है मैंने कैप्टन बनाया था माय टीम इलेवन में। तो उन्होंने उस टीम ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा है तो प्लीज़, अगर आपने कुछ अच्छा विन किया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोग जो है विन करते रहें, और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आप लोगों को जो है नोटिफिकेशन आ जाए। और आपको अगर लगता है इस मैच पे कौन ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा और कौन अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं ग्रैंड लीग के लिए, तो आप नीचे जो है कमेंट भी कर सकते हैं। तो फिर सबसे पहले हम लोग जो है दोनों टीमों की जो है प्लेइंग एलेवन देख लेते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी यहाँ पे आप अगर नाइट राइडर्स की अगर देखेंगे तो कोई भी चेंजेस जो है नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने जो है अराउंड 100 रन से जो है फर्स्ट T20 मैच जो है जीता है। वहीं पे अगर हम लोग देखें यहाँ पे ब्रेंडन मैकलम है, सुनील नारायण, कॉलिन मोन्रो, क्रिस लिन, डैरेन ब्रावो, दिनेश रामदीन, डीजे ब्रावो, अली खान, फवाद अहमद, जीवन सेल्स और सालन गैब्रियल्स। तो ये कुछ प्लेयर हैं जो कि कंफर्म हैं और शायद ही कुछ चेंजेस करेंगे। वहीं पे अगर हम लोग बात करें तो जमैका थलाइवास जो है इस सीज़न की उनका जो है फर्स्ट मैच है, तो कंफर्म प्लेइंग एलेवन देना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन मैं आपको एक ऐसी प्लेइंग एलेवन बता देता हूँ जिसकी जो है अराउंड 90% जो है प्लेइंग एलेवन खेलेगी। ओपनिंग में यहाँ पे जॉनसन चार्ल्स एंड गैलन फिलिप्स, उसके बाद आंडे मकावरी जो कि विकेट कीपिंग करेंगे, रॉस टेलर, रोमन पावेल, डेविड मिलर यहाँ पे खेलने के चांसेस हैं यहाँ पे उनके। लेकिन 100% मैं कंफर्म नहीं हूँ कि डेविड मिलर खेलेंगे, क्योंकि वो जो है श्रीलंका के साथ जो है वहाँ पे वो लोग ODI खेल रहे हैं, तो अब डेविड मिलर को जो है छोड़ सकते हैं यहाँ पे। वहीं पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आंड्रे रसेल, हिमाद वसीम, कृष्ण कुमार संतोखी, किमार रोज और सैमुअल बद्री, तो ये कुछ प्लेइंग एलेवन होने वाले हैं आपके लिए। तो मैं इस वीडियो में आपको दोनों ही टीम देने वाला हूँ, माय टीम एलेवन की टीम भी देने वाला हूँ और ड्रीम एलेवन की भी टीम देने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ड्रीम एलेवन की टीम दिखा देता हूँ। तो विकेट कीपर पर मैंने यहाँ पे जॉनसन चार्ल्स को लिया है, लेकिन जो मैंने आप चाहें तो यहाँ पे दिनेश रामदीन को भी ले सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हो प्रीवियस मैच में उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। बैटिंग की बात करें तो यहाँ पे मैंने जो है क्रिस लिन, उसके बाद यहाँ पे ब्रेंडन मैकलम, रोमन पावेल, गैलन फिलिप्स को लिया हुआ। आप चाहें तो यहाँ पे आंड्रे मकावरी, डैरेन ब्रावो को ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो और यहाँ पे जो है रॉस टेलर को ले सकते हैं। डेविड मिलर मुझे नहीं लगता खेलेगा, लेकिन खेल भी सकता है। तो यहीं पे अगर हम लोग बात कर लेते हैं ऑलराउंडर की, तो ऑलराउंडर पे यहाँ पे आपके पास आंड्रे रसेल, सुनील नारायण, डैरेन ब्रावो, कॉलिन मोन्रो, इमाद वसीम जो कि ये कुछ अवेलेबल ऑप्शन है। आप चाहें तो इनमें से मेरे हिसाब से सेफ एंड बेस्ट ऑप्शन यही रहेगा, आंड्रे रसेल, सुनील नारायण और कॉलिन मोन्रो। डीजे ब्रावो को आप ऐसा ग्रैंड लीग या फिर तीन मैच में टीम, अगर आप 6 टीम बनाते हो तो 3 टीमों में रखिए और 3 टीमों में मत रखिएगा। वहीं पर अगर हम बॉलर्स की बात करते हैं, यहाँ पे मैंने किमार रोज, कृष्ण कुमार संतोखी और फवाद अहमद को लिया। आप चाहें तो सैमुअल बद्री को ले सकते हैं, सैनल गेवल्स को ले सकते हैं। वहीं पे जो है आरम जम्पा की 100% न्यूज़ नहीं है, तो मैं आपको यहाँ पे कंफर्म न्यूज़ नहीं बता रहा हूँ, कंफर्म प्लेइंग एलेवन नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि आरम जम्पा जो है रिस्की हो सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा आप चाहें तो जीवन सेल्स को भी जो है ट्राई कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं माई टीम एलेवन की टीम के बारे में। तो माई टीम एलेवन की टीम अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने विकेट कीपर पर जो है दिनेश रामदीन को लिया हुआ है। बैटिंग की कैटेगरी अगर हम लोग बात करें तो बैटिंग में मैंने यहाँ पे क्रिस लिन, रॉस टेलर को मैंने लिया है, गैलन फिलिप्स और एंड्रे मैकेवेरी को लिया है। आप चाहें तो यहाँ पे रोमन पावल को ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ऑलराउंडर की बात करें तो मैंने यहाँ पे सुनील नारायण को नहीं लिया है, एंड्रे रसेल, ड्वेन ब्रावो को मैंने यहाँ पे लिया और कॉलिन मोन्रो को लिया है। बॉलर की बात करें तो मैंने यहाँ पे सैमुअल बद्री, सैनल गैप्स और यहाँ पे मैंने कृष्ण कुमार संतोखी को लिया हुआ है। आप चाहें तो अपने हिसाब से थोड़ी बहुत चेंजेस कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि दोनों टीमों के कैप्टन और वाइस कैप्टन के बारे में। इस टीम में मैंने जो है माई टीम एलेवन की टीम में मैंने एंड्रे रसेल को एज अ कैप्टन लिया है,
और वाइस कैप्टन मैंने यहाँ पे क्रिस लिन को लिया हुआ है। अगर आप लोग अगर ड्रीम इलेवन की बात करें तो ड्रीम इलेवन पे मैंने यहाँ पे मैंने जो है कॉलिन मोनरो को एज अ कैप्टन एंड सुनील नारायण को एज अ वाइस कैप्टन लिया हुआ है। तो फ्रेंड आप अपने हिसाब से थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हैं। और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में।